Hello everyone, welcome to my channel. I am glad that you tune in with me. Today I am going to cover my previous lecture, which is based on the Allama Iqbal Open University BA, BS, BCom compulsory English, and code is 1423. So viewers, ये chapter number one है, unit number one, जिसका नाम है asking and answering questions. So हम इसका जो है नेक्स्ट जो है पोर्शन वो हम कर रहे हैं. तो यहाँ एक्सरसाइज नंबर 23 है. सो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट ओवर टुडे लेक्चर. थिंक द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हिच कैन बी यूज्ड एज वर्ब्स एज वेल एज नाउन्स. फॉर ईच वर्ड दैट यू कैन थिंक ऑफ राइट टू सेंटेंसेस. सो वो कह रहे हैं कि आपने ऐसे वर्ड्स लेने हैं जिसका आपने क्या करना है, जो नाउन हो लेकिन एज अ वर्ब भी यूज हो सकते हो. सो हियर आर द एग्जांपल्स. ही हैज अ बिग हेड, उसका एक बड़ा सर है. तो हेड जो है वो क्या है, एज अ नाउन यूज हो रहा है. बट ही हेड्स अ लार्ज कंपनी, वो एक बड़ी कंपनी को चलाता है या बड़ी कंपनी का सदर है. तो यहाँ पे हेड जो है एज अ वर्ब यूज हो रहा है. Read the following newspaper report. So here is a newspaper report which is about the security for foreigners tighten. Mean जो foreigners हैं उनकी security को मज़ीद tight करने के लिए एक यहाँ छोटा सा article दिया गया. Let's start. Read it out. In a move to enhance security of foreigners and counter terrorist attacks. वो कह रहे हैं इनहांस करने के लिए, उनकी हिफाजती इकदामात को बढ़ाने के लिए जो फॉरनर्स हैं और जो काउंटर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए, द फेडरल गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड अ स्पेशल सेल इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू डील विद द स्क्रूटनी ऑफ फॉरनर्स वर्किंग आर रेजिडिंग इन पाकिस्तान. रेजिडिंग इन पाकिस्तान मीन के जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक स्पेशल सेल कायम किया है जो कि क्या करेगा, जो फॉरनर्स पाकिस्तान में काम करें या वो रिहाई पजीर है उनकी उनको की देखभाल करने के लिए या उनकी हिफाजत के लिए. ऑल द लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन डायरेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद द सेल टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ फॉरनर्स वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट इन द कंट्री. सो तमाम जो इन्फोर्समेंट के अदारे हैं या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका काम ये होगा कि वो तमाम जो हैं वो इस सेल को जो कि स्पेशल सेल बनाया गया है उसको तमाम इंफॉर्मेशन देंगे ताकि वो पाकिस्तान में जो फॉरनर्स हैं जो गैर मुल्की काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके, जो कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में उन फॉरनर्स की हिफाजत के लिए. द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज बीन डायरेक्टेड टू अपग्रेड सिक्योरिटी फॉर द 456 फॉरनर्स वर्किंग इन 70 प्रोजेक्ट्स इन द प्रोविंस. सो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने स्टैंडर्ड को अपग्रेड किया है सिक्योरिटी के. कितने फॉरनर्स हैं यहाँ पे, 456 फॉरनर्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और वो 70 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर तैनात है, मतलब उन पे वो अपना काम करें. तो उनकी सिक्योरिटी के लिए जो है ना उन्होंने सिक्योरिटी को अपग्रेड किया है. एज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्लान पुलिस एंड प्राइवेट गार्ड्स हैड बीन डिप्लॉयड एट द रेजिडेंसीज एंड वर्किंग प्लेसेस ऑफ फॉरनर्स. तो क्या किया गया है, प्राइवेट गार्ड या सिक्योरिटी के प्लान के अकॉर्डिंग प्राइवेट गार्ड या पुलिस मैन जो है उनको क्या किया, वहां तैनात किया गया है उनकी रिहाइश गाहों पे जो जगह जहां पर वो काम कर रहे हैं उन जगहों पे. दे आल्सो बीन आस्क्ड टू कीप आइदर पुलिस और प्राइवेट गार्ड्स व्हाइल ट्रैवलिंग. इसके अलावा वो जब ट्रैवल करते हैं तो उन्हें पुलिस या प्राइवेट गार्ड जो है वो दिए जाते हैं. द directives were given at a recent top level meeting in which the law and order situation of all province was reviewed. मीन क्या है, जो ये जो ऑर्डर है या ये जो अहकामात दिए गए हैं ये एक टॉप लेवल की मीटिंग हुई थी रिसेंटली. तो उसमें तमाम सिचुएशन को देखते हुए तो प्रोविंस लेवल पे ये रिव्यूड किया गया था कि हमें फॉरनर्स की जो है ना सिक्योरिटी को अपलिफ्ट करना चाहिए और उसके लिए ये इकदाम किए गए. द पंजाब गवर्नमेंट हैड टेकन सम इम्पोर्टेंट स्टेप टू
इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ अहम इकदाम किए हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए. इट इंक्लूडेड द मॉनिटरिंग ऑफ हेंसवर्स क्राइम केसेस एंड सेक्टेरियन एक्टिविटीज. सो इसमें उन लोगों ने क्या है कि वो मॉनिटरिंग करे को शामिल किया है, जिसमें बहुत ज्यादा सीरियस किस्म के जो क्राइम्स होते हैं उनको और जो इसके अलावा सेक्टेरियन एक्टिविटीज हैं उन सबको इसके अंदर शामिल किया गया कि उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी. सो हियर इज एक्सरसाइज नंबर 24. सो लेट्स सी व्हाट इज इन एक्सरसाइज नंबर 24. लेट मी गेट द हाइलाइटर टू मेक it highlight. So exercise number 24, the following words or phrases can be used instead of the words printed in bold. Select the appropriate word or phrase from the list and complete the newspaper extract given below. Okay. सो व्यूवर्स, यू कैन सी कि अभी मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, हेंस है, काउंटर है, स्क्रूटनी है, इन्फोर्समेंट है, अपग्रेड है, डिप्लॉयड है, डायरेक्टिव एंड हियर आर मोर मॉनिटरिंग हेंसवर्स सेक्टेरियन एक्टिविटीज. सो व्यूवर्स, नाउ एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन ऑल दीज वर्ड बट द सिचुएशन इज दिस. पैराग्राफ इज सेम बट द गिवन वर्ड्स विच आर लिस्टेड ओवर हेयर आर डिफरेंट. मीन जो यहाँ वर्ड्स दिए गए वो उन लफ्जों से मुख्तलिफ हैं, मगर हमने अकॉर्डिंग टू द मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस हमें इन वर्ड्स को यहाँ अगले ही पैराग्राफ में पुट इन करना है. लेकिन पैराग्राफ सेम है, वर्डिंग सेम है, सिर्फ इन वर्ड्स को रिप्लेस करना है जिसके मीनिंग. यू कैन से नाउ वी आर गोइंग टू यूज सिनोनिम्स. सिनोनिम्स कहते हैं हम मायने अल्फाज जिनके मायने एक जैसे होते हैं उनको हम यहाँ यूज करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज लेट्स ट्राई टू रीड द वर्ड्स सो दैट वी विल बी फेमिलियर कि हम किस तरह के वर्ड जो है हमारे पास जो हमने कहाँ कहाँ यूज करने हैं. वन पे है इम्प्लीमेंटेशन, अपोज, पोजिशन, campaigners, increase, orders, fictional, investigation, observation, dreadful, make sure and improve. So over here 12 words are here. So let's start our exercise. So for the ease maine yahan pe pehle se numbering karke rakhi hui hai. Security for the foreigners tightened in a move to improve. Upar humne kya padha, let's try to find out. इनहांस, इनहांस होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना. ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ हम लगा रहे हैं इम्प्रूव. असर टू इन अ मूव टू इम्प्रूव, बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी ऑफ फॉरनर्स एंड लेट्स सी व्हाट इज ऑन नंबर टू. अपोज, रोकथाम के लिए टेररिस्ट अटैक और टेररिस्ट की रोकथाम के लिए हमें क्या करना है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है. द फेडरल गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड अ स्पेशल सेल इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू डील विद द लेट्स सी व्हाट इज एट नंबर 9. ऑब्जर्वेशन, सो क्या है, इंटीरियर डील विद द ऑब्जर्वेशन मीन उनकी उनको ऑब्जर्व करेंगे ऑफ फॉरनर वर्किंग आर रेजिडिंग इन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में काम करें या रिहाइश पजीर हैं. ऑल द लॉ, लेट्स सी व्हाट इज एट 4. एट 4 है कंपेनर्स. सो All the law campaigners, law को चलाने वाले या रीइंफोर्स करने वाले एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव बीन डायरेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन विद द सेल टू व्हाट इज एट 11 टू मेक श्योर के उसकी यकीन दहानी करा दें द सिक्योरिटी ऑफ फॉरनर वर्किंग ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट इन द कंट्री ताकि वो उनको जो है उनकी जो सिक्योरिटी है उसको क्या करें, वो फॉरनर की सिक्योरिटी को मेंटेन करें. द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हैज बीन डायरेक्टेड टू ऑर्डर, हमने ऊपर डायरेक्टिव पढ़ा था तो यहाँ ऑर्डर है सिक्योरिटी फॉर द 456 फॉरनर वर्किंग ऑन 70 प्रोजेक्ट इन द प्रोविंस एज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्लान. पुलिस एंड प्राइवेट गार्ड्स हैज बीन नंबर 3 पे पोजिशनड, मीन उन्हें तैनात किया या डिप्लॉयड किया कर दिया गया, उन्हें पोजिशन दे दी गई एट द रेजिडेंस
and working place of foreigners, they have also been asked to keep either police or private guards while they're traveling. इन्होंने ये कहा गया कि जब वो ट्रैवल करें पुलिसमैन या गार्ड को रखें. The let's see what is at six. The orders were given at a recent top level meeting in which the law and orders situation of all the province was reviewed. मसलन ये जो ऑर्डर दिया गया है वो मौजूदा होने वाली करीबी होने वाली मीटिंग में हाई लेवल पे जाके ये तमाम चीजों को देखने के बाद पास किया गया. द पंजाब गवर्नमेंट हैड टेकन सम इम्पोर्टेंट स्टेप टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. इट इंक्लूड द लेट्स सी व्हाट इज एट एट इन्वेस्टिगेशन ऑफ dreadful and once again let's see dreadful crime cases and what is that seven and fictional what is that one fictional implementation. Okay, so viewers, this is the exercise. So let's move to our next lecture. Read an interesting personal account written by a young boy who had moved back to Pakistan after years of living in Dubai. So keh rahe yahan ek jo hai aapko ek personal account jo hai jo likha gaya hai ek young boy ki taraf se. जब वो पाकिस्तान मूव हो रहा है तो वो उसके बारे में लिख रहा है जबकि वो दुबई में रह रहा है काफी सालों में से. एज यू रीड इट फॉर द फर्स्ट टाइम अंडरलाइन एनी वर्ड दैट यू फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कहते जब आप पढ़ेंगे तो आपने डिफरेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है देन ट्राई एंड गेस द मीनिंग योरसेल्फ. तो खुद से आपने उनको मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है बाय फाइंडिंग क्लूज फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट से. क्यों लेते हुए आई फाइनली लुक अप द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन द डिक्शनरी और बाद में डिक्शनरी में देखना है. सो हियर इज द पिक्चर ऑफ कायदे आजम के मजार की पिक्चर है. सो लेट्स स्टार्ट अवर राइटिंग व्हिच हैज बीन रिटन बाय द यंग मैन. व्हेन माय फादर टोल्ड मी कि मेरे फादर ने मुझसे कहा दैट वी वुड बी शिफ्टिंग टू कराची के हम कराची शिफ्ट हो जाएंगे इन पाकिस्तान पाकिस्तान में. आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. मुझे नहीं पता था मैं किस तरह रिएक्शन दूं या किस तरह के तासुरात दूं. एज द डे ऑफ डिपार्चर लूम्ड इन फ्रंट ऑफ मी जैसे कि डिपार्चर का जो मेरे जहन में था एक ख्याल है वो आया है. माई सेंटिमेंट्स चेंज मेरे सेंटिमेंट चेंज हो गए. नॉस्टैल्जिक मेमोरीज ऑफ माई पास्ट इन दुबई स्टार्टेड टू लिंगर इन माई माइंड. मेरे नॉस्टैल्जिक होना किसी खास फीलिंग्स को सोचना या उसको बार बार याद करना. कहते हैं दुबई की जो मेरे पास मेमोरीज थी वो मेरे माइंड में आस्ता आस्ता घूमने लगी. आई वॉज बिकमिंग होम सिक इवन था आई वॉज रिटर्निंग टू माई ओन कंट्री. कहते मुझे होम सिकनेस की फीलिंग्स आने लगी इवन के मैं अपने ही मुल्क में शिफ्ट होने जा रहा था. माई फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ पाकिस्तान वर नॉट द बेस्ट. वो कह रहा है मेरा जो पहला इम्प्रेशन था पाकिस्तान में जब इसने विजिट किया था वो इतना अच्छा नहीं था. आई वॉज टेकन अबैक बाय द गार्बेज एवरीवेयर पान स्टेन्स एंड इंसेक्ट्स ऑल अराउंड. वो कह रहा है कि मैं जब वहां गया था तो गार्बेज के ढेर थे हर तरफ पान की पीक थी और जो है ना जानवर इंसेक्ट्स जो है हर तरफ थे. दिस वॉज समथिंग आई हैड नेवर सीन इन दुबई. ये कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने भी दुबई में नहीं देखी थी. हियर इज द पिक्चर ऑफ कराची एंड ट्रैफिक जैम इज एक्चुअली क्लियर्ड हियर. फॉर द फर्स्ट टाइम आई फेल्ट लाइक अ स्ट्रेंजर इवन दो दिस वॉज माई होम कंट्री. कहते मैंने पहली दफा यहाँ खुद को अजनबी पाया जबकि ये मेरा अपना मुल्क था. आई वॉज ओवरकम बाय द लॉर्ड बुजिंग ऑफ रिक्शाज द हॉर्न ऑफ पीपल क्लिंगिंग ऑन टू द बैक बम्पर ऑफ अ बस एंड द बम्पी रोड दैट जग्स एंड जोस्टर्ड मी ऑल द वे होम. वो कह रहे हैं कि
सिचुएशन बता रहा है वो कराची के रिक्शा जो थे वो घुस कर रहे हैं, मतलब उनकी रिक्शा वालों की आवाजें आ रही थी, पीपल्स जो थे वो क्या कर रहे थे बसों के पीछे जो बम्पर्स बने होते हैं उनपे ऊपर चढ़ रहे थे, और जो बम्पी रोड्स थी मीन जो रोड टूटी हुई थी तो जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे हुई हुई थी, और जर्क्स लग रहे थे उससे, बहुत ज्यादा झटके लग रहे थे, और इस तरह वो अपने घर की तरफ जा रहा था। कहता तमाम रास्ते उसने ये चीजें देखी हैं। There was a hustle and bustle in this huge city, Karachi, which I hadn't seen in Dubai. कहता है कराची के शहर में एक हसल बसल थी, यानी के हंगामी कह सकते हैं या बहुत ज्यादा रश गैदरिंग कह सकते हैं, तो जबकि उसने ये चीजें कभी दुबई में नहीं देखी थी। I had always longed to stay with my relatives who were so loving and caring on our annual visits, and now since we had moved permanently, our home was warmed by relatives. कह रहा है कि हम जब भी annual visit पे हम जाते होते थे तो हमारे relatives हमारा बहुत अच्छी तरह loving भी थे, मोहब्बत भी करते थे और केयर भी करते थे, और हमारा घर जो है ना रिलेटिव से भरा हुआ होता था, और अब तो हम क्या करने जा रहे हैं, सिंस वी हैड मूव्ड परमानेंटली, जब से कि हम परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर रहने जा रहे हैं। आई कुडंट रिमेम्बर बीइंग पेटेड एंड किसेस एज मच एज आई वॉज दैट डे, बट द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान हिट मी व्हेन आई बिगन टू स्पीक टू देम। कहता है क्या हुआ, अब मुझे नहीं याद पड़ता है कि वो मुझे बहुत ज्यादा किस कर रहे थे, पैट करना थपकी देना होता है बैक पे, और आई वाज दैट द डे, बट रियलिटी उनकी कहते सब हमें बहुत ज्यादा लविंग थे केयरिंग थे, पर उसे सही हकीकत तब पता चली कि जब उसने उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट की। व्हाइल स्पीकिंग टू देम आई हैड टू एक्सप्लेन माई सेल्फ इन इंग्लिश, वो जब उसे खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा था उसने इंग्लिश में करवाया, विच वॉज ग्रीटेड बाय अ फ्यू रेज्ड आईब्रो, जो के मसल उसका रेज आईब्रो हम लोग तब करते हैं जैसे हम अस्टोनिश्ड हों या हम लोग थोड़ा आइरोनिकली चीजों को देख रहे हों, सार्केस्टिक वे में देख रहे हों, तो हम थोड़े अपने आईब्रोज को अपलिफ्ट करते हैं, सो मीन थोड़ा सा कनिंग वे में जो मुझे उसे एक्सप्रेशन मिलते हैं। देर वॉज नो डाउट दैट आई वॉज वेलकम्ड, बट देर वॉज द फीलिंग दैट आई वॉज लेस अ पाकिस्तानी बट मोर अ परदेसी। कहते बेशक हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, बट मुझे जो एक्सप्रेशन मिला उनसे बात करने के बाद वो ये था कि मैं अब पाकिस्तानी कम हूँ और परदेसी मीन फॉरनर में ज्यादा हूँ। In many ways, I lived a sheltered existence in Dubai. कहता मैं बहुत अरसे से एक बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर, शेल्टर्ड एग्जिस्टेंस होता है परेशानियों से दूर किस्म की जिंदगी गुजारा था दुबई में। आई हैड नेवर सीन ड्रग एडिक्शन, उसने ये नशेई लोग कभी नहीं देखे थे, एंड बैगर्स और भिखारी और इवन सो मैनी क्रिपल्ड पीपल ऑन द रोड्स, और ये जो डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं क्रिपल्ड होना जमीन पे रिंगना मसलन जो पैरालाइज किस्म के लोग होते हैं। In Pakistan, I saw the reality of poverty for the first time. कहता मैंने पाकिस्तान में पहली दफा गुरबत को हकीकत में देखा, first time गुरबत को देखा। The pleas of people tapping windows and begging for a rupees were something that really bothered me. कहता लोग जो हैं वो एक रुपया मांगने के लिए विंडोज या जो है ना दरवाजों को नॉक करते हैं, जो उसके लिए बहुत ज्यादा बॉदर्ड करता था उसे ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना। आई फेल्ट एन अर्ज टू डू समथिंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन, उसके दिल में एक उमंग पैदा हुई कि वो इसे इस सूरत हाल को किसी तरह बेहतर कर सके। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस एज द शेल्टर्ड आइडियलिस्ट Within me started to see the real world and the difficulties of everyday life. कहते इसने मेरे ये जो था ना एक sheltered existence में रहने वाला, तो उसने मेरे अंदर एक अर्ज पैदा की कि मैं जो हूँ वो कुछ कर सकूं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल हु आर सफरिंग, जो उनकी जो परेशानियां जो डिफिकल्टीज हैं जो एवरीडे लाइफ के उनको किसी तरह कम कर सकूं। Life in Dubai was easy. Life Dubai ki bahut asaan hai. I never had to worry about the quality of water. Wo pani ki quality ke liye kabhi pareshan nahi hua. The availability of electricity ki availability ho ya
क्लीनिनेस आर इन्फ्लेक्शन हो या फिर सफाई हो या रेट्स का उतार चढ़ाव हो, ये तमाम परेशानियां दुबई में उन्होंने कभी फेस नहीं की थी, बट इन पाकिस्तान दीज आर डेली कंसर्न, बट पाकिस्तान में ये रोजमर्रा के मामलात हैं. आई रियलाइज दैट यू कांट ट्रस्ट पीपल टू डू देयर जॉब्स एंड दे हैव टू बी गॉडेड रिमाइंडेड एंड ऑफन प्राइवेट. वो कह रहे हैं कि आप आई रियलाइज उसने ये देखा दे कांट बी ट्रस्ट, लोगों पे इतबार नहीं किया जा सकता उनके जॉब के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो यानी कि धोखा दही कह लें या वो कह लें कि वो रिश्वत वगैरह लेते हैं, इस तरह के मामला जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है. आफ्टर लिविंग इन कराची फॉर 6 months, कराची में 6 माह रहने से आई एम यूज टू सोशल मेरी गो अराउंड ऑफ वेडिंग्स. कहते हैं वो मैं गया हूँ शादियों पे जो सोशल मैरी होती है उन पे वो गया है, पार्टीज एंड गेट टुगेदर दैट हैव टू बी अटेंड टू मेंटेन अ फुटिंग इन सोशल सर्कल. तो कहता है मैं इन कराची के जो पार्टीज थी या वेडिंग सेरेमनी में थी उनमें मैं गया हूँ गेट टुगेदर में, ताकि मैं वहां के सोशल सर्कल में खुद को फुटिंग होता है वहां पाउंड जमाना, बेसिकली मेंटेन रहना सोशल सर्कल में, अपने एग्जिस्टेंस को रखना. आई एम नाउ accustomed to the daily water and electricity problems and surprisingly I have learned how to solve or rather temporarily fix the problem. kehta hai maine yahan ki jo electricity ke problems hain sabko dekhte hue main ye cheez sikha hu ki kis tarah problem ko solve karte hain ya arzi taur par unko fix karte hain. these daily frustrations still trouble me. रोजमर्रा की ये मुश्किलात उसे परेशान करती हैं, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग एक्सपोज्ड टू अ रियल सिक्योरिटी विद रियल प्रॉब्लम्स. बट वो ये कहता है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैंने रियल में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन चीजों को रियलिटी में फेस किया है और उनको देख लिया है. So there is a greater sense of freedom, belonging and community in our own country. अपने मुल्क में एक ग्रेटर सेंस ऑफ फ्रीडम है, आजादी का एक एहसास है, बिलोंगिंग है, अपने एक लिंक होना या अपना एक ताल्लुक होना और उस कम्युनिटी में अपना आप देखना. तो वो एक मुल्क में अच्छा, यानी कि वो कह रहा है कि ये भी एक अच्छी फीलिंग्स हैं, सेंटीमेंट्स दैट आई हैड नेवर एक्नॉलेज्ड इन माय शेल्टर लाइफ इन दुबई. लेकिन कहते हैं ये तमाम बिलोंगिंग का जो एहसास है वो मैंने कभी अपनी दुबई की शेल्टर लाइफ में ऐसा फील नहीं किया था. इन रेस्ट्रोस्पेक्ट कंक्लूजन के तौर पर लिविंग इन कराची हैज रिक्वायर्ड एन एडजस्टमेंट. कराची में रहने के लिए एक एडजस्टमेंट की जरूरत है, अ हार्श रियलिटी चेक और एक सख्त किस्म की रियलिटी चेक है. बट व्हाट मैटर्स इज दैट आई हैव लर्न्ड एंड बिकम मोर इन टच विद द कंट्री आई बिलोंग. बट इससे कहता है क्या हुआ, मैंने और ज्यादा मैंने सीखा है कि मैं किस तरह अपने मुल्क में रह सकता हूँ और उसकी बहुत सारी चीजों को सीखा है. सो व्यूअर्स, दिस इज आवर टुडे लेक्चर. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 25. So viewers, if you are liking the lectures, please subscribe the channel and hit the bell icon. Share this link with others so that all students jo hain wo isse fayda uthaye aur unki bhi help ho. So viewers, Allah Hafiz, take care, bye bye.